डरते हैं कम नजर रोशनी से डरते हैं। क्या बात है। और इसका इस बात से भी साबित होती है ये बात इनके शेर की के जालिब जो है जाहिर है कोई इस तरह के इंकलाबी नहीं थे जो बम और बंदूक लेकर के चल रहे हों या जिनसे इस तरह का खतरा हो। वो तो सिर्फ शायरी करते थे, शायरी लिखते थे और लोगों को दरमियान पेश करते थे। लेकिन उनसे जो है हुक्मरान तबका इतना डरता था कि इधर जालिब ने कोई एक नज्म या कोई गजल या कोई गीत लिखा और उसे पढ़ करके सुनाया, दूसरा पैर उनका जेल में होता था। और यह हकीकत है कि जालिब से ज्यादा जेल की सजा और शायद किसी ने नहीं काटी। और बकौल फैज अहमद फैज, आपने फैज का नाम लिया, फैज अहमद फैज ने ये लिखा है जालिब की किताब पर कि वली दखनी जो है, वली दखनी को उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर माना जाता है कि जब वो 1700 में दिल्ली में उनका दीवान पहुंचा तो फिर दिल्ली से शायरी का जो पूरा पूरी शुरुआत उसकी होती है। तो फैज साहब ने लिखा कि वली दखनी से लेकर अब तक इतनी ऑडियंस किसी और शायर को नहीं मिली जितनी हबीब जालिब को मिली। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जालिब सिर्फ एक हाल में मुशायरा पढ़ते थे लेकिन वो मुशायरा जो है वो अगर जालिब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जालिब पढ़ते थे, उसमें और बहुत सारे शायर नहीं होते थे। और हाल में चूंकि गुंजाइश नहीं होती थी इसलिए सड़क के दोनों तरफ माइक लगा दिए जाते थे बड़े बड़े। और ये बताते हैं वहां के हमारे दोस्त लाहौर और कराची के कि कई कई किलोमीटर तक लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर के जालिब को सुना करते थे। और इसीलिए जो है जो डर था जालिब को, जालिब से इकतदार को, वो हमेशा रहा। और आखिर वक्त तक जो है जालिब ने हर तरह की गवर्नमेंट देखी और जाहिर है पाकिस्तान की तो किस्मत में ही मिलिट्री रही है और फौजी हुकूमत जो है उससे टकराते रहे लेकिन लिखते रहे। और उनका एक शेर और भी आप देखिए कि जो उनकी हालत थी, जो उनकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है कि वो जो अभी इस राह गुजर से चार गरीबा गुजरा था, वो जो अभी इस राह गुजर से चार गरीबा गुजरा था, उस आवारा दीवाने को जालिब जालिब कहते हाँ हैं। और इसीलिए जो है जालिब ने सियासी सतह पर किसी तरह का कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जालिब जो है मुल्क का जो तसव्वुर है, मुल्क का वो तसव्वुर नहीं है जो आज हमारे यहाँ या पाकिस्तान में जो कौम परस्ती का सबक दिया जाता है और देश प्रेम और देशद्रोह की बात जिस तरह से की जाती है, जालिब का वो तसव्वुर नहीं था। जालिब जो है उनका यह कहना था कि मैं पूरी दुनिया का एक आम शहरी और मेरे लिए जो है जहां भी नाइंसाफी हो रही है, जहां भी ज्यादती हो रही है, मेरा फर्ज है कि मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। और इसीलिए जो उन्होंने अरबाब इख्तदार को इशारा करते हुए कहा था कि मुझे फिक्र है अमने आलम, सारी दुनिया की शांति की चिंता मुझे है, मुझे फिक्र है अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्र है अपने आलम तुझे अपनी जात का आलम, मैं तुलू हो रहा हूं तू उलू होने वाला। और बिलावल भुट्टो आप जानते हैं बेनजीर के बेटे हैं और आजकल कमान संभाले हुए हैं। जब जियाउल हक का जमाना था तो उसके बाद बेनजीर को सपोर्ट किया था हबीब जालिब ने, ये नहीं कि उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली थी बल्कि जो है जो आजकल हमारे यहाँ माहौल है और कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाने का। तो उन्होंने ये ऐलान किया जालिब साहब ने कि इस वक्त हमारा फर्ज है कि जो भी जमहूरी ताकतें जो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए।
और आज के हालात में बेनजीर ही एक अल्टरनेटिव नजर आ रही है। तो बेनजीर भुट्टो को उन्होंने सपोर्ट दिया, बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीती। इलेक्शन जीतने के बाद जो है उन्होंने जालिब साहब को टेलीफोन किया और कहा कि जालिब साहब मैं प्राइम मिनिस्टर हो गई हूँ, अब बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। तो जालिब ने कहा कि बीबी उन लोगों की खिदमत कर जिनको खिदमत की जरूरत है, मेरी खिदमत करने वाले बहुत हैं। और उनको जो है गजल लिख करके भेज दी बेनजीर को, जिसमें एक शेर ये भी था कि हर बिलावल है देश का मफरूज, मफरूज का मतलब कर्ज में डूबा हुआ, हर बिलावल है देश का मफरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के, उनकी खिदमत कर। और इस तरह से उन्होंने बेनजीर का शुक्रिया अदा करके जो है टाल दी बात की जो है आपकी जो किसी खिदमत की जरूरत नहीं है। और जालिब एक ऐसे शहर है जिनके यहाँ आपको जबान की कोई, जैसे फैज को समझने में, गालिब को समझने में अक्सर बहुत दिक्कत होती है, गालिब जो है जालिब के यहाँ जो है इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। और आप उनकी शायरी जब सुनेंगे तो आप खुद इस बात का एहसास होगा आपको। उन्होंने कबीर नामा भी लिखा और मैं उनकी कुछ नज़मों को आपके सामने पेश करता हूँ। कबीर नामा से मैं शुरुआत करता हूँ के पूछ न कुछ पूछ न क्या लाहौर में देखा हमने मियां नजीर, पहने सूट अंग्रेजी बोले और कहलाए मीर, चौधरियों के मुट्ठी में है शायर की तकदीर, रोए भगत कबीर। एक दूजे को जाहिल समझे नटखट बुद्धिमान, मेट्रो में वो जो चाय पिलाए बस वो बाप समान, सबसे अच्छा शायर वो है जिसका दोस्त मुदीर, मुदीर का मतलब किसी अखबार या मैगजीन का एडिटर, सबसे अच्छा शायर वो है जिसका यार मुदीर, रोए भगत कबीर। सड़कों पर भूखे फिरते हैं शायर मौसी कार, एक्ट्रेसों के बाप लिए फिरते हैं मोटर कार, फिल्म नगर तक आ पहुंचे हैं सैयद पीर फकीर, रोए भगत कबीर। लाल दीन की कोठी देखी रंग भी जिसका लाल, शहर में वो रहकर खूब उड़ाए दहकानों का माल, दहकान यानी किसान, शहर में रहकर खूब उड़ाए दहकानों का माल, और कहे अजदाद ने बख्शी हमको ये तकदीर, अजी हमको ये जागीर, रोए भगत कबीर। जिसको देखो लीडर है और जिससे मिलो वकील, किसी तरह भरता ही नहीं है पेट इनका है झील, मजबूरन सुनना पड़ती है इनकी सब तकरीर, रोए भगत कबीर। नाक पे चश्मा सा अटकाए, गर्दन में टाई लटकाए, इंग्लिश लिटरेचर को खाए, उर्दू लिटरेचर पर हाय, कॉलेज देने का लेक्चर पहुंचे, घर से निकले कार में बैठे, कार से निकले दफ्तर पहुंचे, महफिल से जो उठकर जाए कहलाए वो बोर, अपनी मस्जिद की तारीफ है बाकी जूते चोर, अपना झन भला है प्यारे जहां हमारी हीर, रोए भगत कबीर। और एक इसी सिलसिले की एक और नज़्म है कबीर नामा की के एक पटरी में सर्दी में अपनी तकदीर को रोए, दूजा जुल्फों की छाओं में सुख की सेज पे सोए, राज सिंहासन पर एक बैठा और एक उसका दास, भय कबीर उदास। ऊंचे ऊंचे ऐवानों में मूरख हुकुम चलाएं, कदम कदम पर इस नगरी में पंडित धक्के खाएं, धरती पर भगवान बने हैं धन है जिनके पास, भय कबीर उदास। और गीत लिखाए पैसे ना दें फिल्म नगर के लोग, गीत लिखाए पैसे ना दें फिल्म नगर के लोग, उनके घर बाजे शहनाई लेखक के घर सोग, गायक सुर में क्यों कर गाए क्यों ना काटे घास,
बड़े कबीर उदास। कल तक था जो हाल हमारा, हाल वही है आज। जालिब अपने देश में सुख का काल वही है आज। फिर भी मोची गेट पे लीडर रोज करे बकवास, भय कबीर उदास। और आगे एक उनकी नज्म है दस्तूर। दस्तूर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसकी इसके पीछे की कहानी यह है कि इस मुशायरे में जनरल अयूब भी शामिल थे और हबीब जालिब ने वो नज़्म सुनाई दस्तूर। और जब दस्तूर नज़्म सुनाई तो जनरल अयूब उठ करके वॉकआउट कर गए। उनके वॉकआउट करने के बाद जो साहब मुशायरा कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जालिब साहब मौका नहीं था। तो जालिब ने फौरन वहीं बैठे बैठे जवाब दिया, जी हाँ मैं मौका परस्त नहीं हूँ। तो ये है उनकी नंद दस्तूर जी। मैं इसे जालिब के अंदाज में पढ़ने की कोशिश करूंगा, हालांकि वो तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। महल्लात कहते हैं महलों को, महल का प्लूरल जो है महल्लात। दीप जिसका महल्लात।